G20 समिट को लेकर राजधानी रायपुर पूरी तरीके से तैयार है, सजावट पूरी तरीके से हो चुकी है और विशेषकर लाइटिंग्स की बात करें तो इतनी भव्य लाइटिंग्स लगाई गई है कि खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। एयरपोर्ट में हम मौजूद हैं और एयरपोर्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके से वेलकम के लिए जो G20 के लोगों के साथ यहाँ पर लाइटिंग्स की गई है, पूरे एयरपोर्ट में पिलर्स में भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कला है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी तरीके से देखेंगे काफ़ी भव्यता खूबसूरती से एयरपोर्ट में जब मेहमान यहाँ पर आएंगे तो उनका जो स्वागत होगा वो कहीं ना कहीं हर जगह छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कला और छत्तीसगढ़ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। रास्ते भर क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भव्यता से पूरा जो रास्ता है, जिस रास्ते से जो डेलीगेट से पूरे वेन्यू तक जाएंगे जहाँ पर ये समिट होगी वहाँ किस तरीके से सजाया गया है वो देखते आइए चलते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा बाहर छत्तीसगढ़ महतारी चौक पड़ता है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बाकायदा बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इस चौक को भी सजाया गया है। बाकायदा छत्तीसगढ़ महतारी की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है और जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर आर्ट हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेसअप है उसको भी पहनाते हुए उनकी स्टैचू लगाई गई है और पूरी तरीके से देखेंगे तो इस छत्तीसगढ़ महतारी चौक को भी लाइटिंग से और G20 के लोगों से सुसज्जित किया गया है और यहाँ की जो लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरत बन रही है और इससे समझा जा सकता है कि आगे और किस तरीके से पूरी लाइटिंग से खूबसूरत तरीके से नवा रायपुर को सजाया गया है। और आगे भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है, आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जिस रास्ते से डेलीगेट्स जाएंगे वहाँ पर रात में कितना बेहतरीन खूबसूरत तरीके से लाइटिंग की गई है जिससे इस रोशनी से काफी खूबसूरती दिखाई दे रही है यहाँ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद रास्ते में जो जो चौक पड़ रहे हैं वहाँ बकायदा लाइटिंग की गई है और देखेंगे कि दूर से आप देखेंगे कि पूरे रास्ते भर जो तिरंगे की लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये G20 वाटिका बनाई जा रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी बेहद खूबसूरत तरीके से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। बकायदा एक लोगों के साथ पूरा ग्लोब बनाया गया है, G20 का लोगो दिया गया है और इस पूरे एरिया को जो है G20 वाटिका का नाम दिया गया है। ये वही वाटिका है जहाँ पर जितने फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे आकर यहाँ पर प्लांटेशन भी करेंगे और आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से नवा रायपुर में G20 को लेकर तैयारियाँ की गई और बेहद खूबसूरत तरीके से लाइटिंग से इसको सजाया गया है बीच में और फुल ग्रीनरी भी यहाँ पर की जा रही है। आगे और चलते हैं जहाँ आयोजन होना है वहाँ तक आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके की लाइटिंग वहाँ पर की गई है। और ये वो स्थल है जहाँ पर G20 की मीटिंग होगी नवा रायपुर में और पूरे रास्ते भर हमने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर जो मेफेयर तक का जो रास्ता है वहाँ पर किस तरीके से भव्यता से लाइटिंग की गई है, पूरा सजाया गया है और कुल मिलाकर एक बेहतरीन फील यहाँ पर विदेशी मेहमानों को कराने की कोशिश की गई है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति से उनको रूबरू कराने की कोशिश की गई है और जो लाइटिंग जिस प्रकार से की गई है उसकी जो खूबसूरती है वो काफ़ी खूबसूरत है और देखने लायक है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन IBC 24 रायपुर।